दिक्कत तो फर्स्टली हमें रोड की बहुत, मतलब मैं जब घर से निकला, मैं गाड़ी में आया मुझे, लेकिन चलते चलते होता कहाँ पड़ता है। उसके बाद वहाँ से हमें 3.5 घंटे के बीच जो अफसान ये पता चल रहा है कि है खूबसूरत, आप लोगों को दिखाएंगे कि खूबसूरती, कहूँगा कि ये खूबसूरती देखिए आप, क्या इससे खूबसूरती है आप सबको, कि हमने घर से इतना दूर सफर क्यों किया, सुबह 5 बजे पहुंचे हैं यहाँ आने का। वो आप सबने जाना कि लोगों को क्या मुश्किलें हैं, ध्रुव आप इन बड़े बड़े अफसरों से कि हमने ये किया ये किया, भाई आप ध्रुव टाप के लिए करिए आसपास आप लोग, उसमें मैं भी आता हूँ। देखिए आप मेरे पीछे ये देखिए बोतल है यहाँ पर, उधर भी एक चीज़ है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे मत फेंकिए, अगर आपको डब्बा बना हुआ है आप वहाँ सब डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं मैं उसके साथ, मैं हूँ आपका मेजबान प्रिंस सुहेर। आज हम घर से काफी दूर, काफी समझ लीजिए बहुत काफी दूर आए हुए, क्यों आए हुए हैं, क्या मकसद है इस वीडियो का बनाने का, क्या मकसद है आप सबको इस चीज का दिखाने का, क्या मकसद है, क्यों इतने दूर आए हुए हैं हम, वो भी पैदल, ये सब पर हम बात करेंगे। आज हम ध्रुव विजिट कर रहे हैं, ध्रुव टॉप, हमारी VOM न्यूज टीम जो है ध्रुव टॉप विजिट कर रही है, आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही है कि खूबसूरती क्या चीज होती है, खूबसूरती क्या चीज होती है। जो अफसरान बैठे उनको खूबसूरती पता नहीं चल रहा, बट ये पता चल रहा है कि है खूबसूरती, बट हम आपको दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि खूबसूरती क्या चीज है, आखिर क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर कर रही है, चीज की बात कर रहा हूं, क्या इग्नोर किया जा रहा है, इस सब पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं पहले ये कहूंगा कि ये खूबसूरती देखिए आप, क्या इससे खूबसूरत कौन सी जगह है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खूबसूरती को दिखाएं, फिर आगे बात करेंगे कि क्या खूबसूरत इस चीज कौन सी खूबसूरत हो सकती है, क्या टूरिज्म यहां के लिए नहीं आ सकता है, बाहर के लिए टूरिज्म आ सकता है, क्या मरमत हिल्स के लिए नहीं आ सकता है टूरिज्म, ध्रुव टॉप नगा टॉप के लिए ये नहीं आ सकता है टूरिज्म स्पॉट जो है टूरिज्म के लिए नहीं आ सकता है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, देखिए खूबसूरती देखिए आप लोग, और आप खुद राय लीजिए कि क्या टूरिज्म आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो कैमरे में आप सामने देख रहे हैं ये आ गया नगा टॉप और सेव्स, और इसके जो साथ में ये आ गया धुपतापन, अंधी की वजह से दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको साफ दिखता। हमारा मुद्दा यही है आप सबको इस चीज को दिखाने का कि हमने घर से इतना दूर सफर क्यों किया, सुबह 5 बजे निकले हैं और यहाँ 11 बजे पहुंचे हैं, इतना मकसद क्या है हमें यहाँ आने का, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे कि उनको क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या सफर कैसे किया उन्होंने। लेकिन मैं फिर से ये अपील करना चाहूंगा कि क्या इससे खूबसूरत जगह कौन सी है बताएं मेरे को। मैं ये कहना चाहूंगा मेन मुद्दा जो हमारा है वो जो है दो चीजों पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड और दूसरा जो है टूरिज्म पर है। टूरिज्म यहां पर मिलना चाहिए ना, क्या खूबसूरत जगह नहीं है, बैकग्राउंड में देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ईदगाह है, जो काला शांत इसको बोला जाता है, लोग सब जानते हैं जो यहाँ पर विजिट किए हुए हैं। मैं ये दावे से कहता हूं कि आज भी यहाँ 300+ लोग थे, और वो भी आउट ऑफ मरमत थे, मरमत के बाहर के लोग आए थे, क्यों आए थे, वो खूबसूरत जगह भाई तभी तो आ रहे हैं ना। लोगों से बात करते हैं उसके बाद आपसे मिलेंगे। मेरे साथ दूसरे बंदे जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले इनसे नाम जानने की कोशिश करूंगा कि क्या नाम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुबश्शिर वानी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं मुगुत्ता में रहता हूँ। अक्सर आप ध्रुव आते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल आते हैं। आपको क्या दिक्कतें आती हैं ध्रुव आने में? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिक्कत आती है कि रोड नहीं है, हमें अगर रोड होती रोड तक तो फिर बहुत अच्छा होता है, फिर दिक्कत नहीं आती है कोई। ब्योता तक रोड है, उसके बाद है ही नहीं। अच्छा, ब्योता तक भी आप पैदल आते हैं या गाड़ी में आते हैं? नहीं पैदल आते हैं, मतलब गाड़ी भी कभी गाड़ी मिलती है कभी पैदल आना पड़ता है। उधर से कितना टाइम लगता है यहाँ आने में? यहाँ पर 2-3 घंटे लगते हैं सर। अच्छा, तो आप दूसरे ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर टूरिज्म यहाँ पर देती है गवर्नमेंट जी, तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों ने कुछ खाया है वो ऐसे डाला हुआ है, खाना इधर गिराया हुआ है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं ग्राउंड की बात करूंगा, अगर टूरिज्म यहाँ पर आता है क्या गवर्नमेंट इस ग्राउंड को ठीक कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है सर, अगर गवर्नमेंट यहाँ ग्राउंड को ठीक करेगी, वहाँ से टूरिस्ट आएंगे उसके बाद फिर हम उनके साथ खेलेंगे, बहुत बहुत
बाहर के मतलब मैक्सिमम बाहर के जो टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट आएंगे तो हमें खेले में थोड़ी मदद होगी, सीखा जाएगा थोड़ा बहुत, ये बात है। तो यही हमें कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मांग है रोड की और हमारे ग्राउंड ठीक किया जाए और टूरिज्म टूरिज्म की जो बात मतलब अच्छी जगह है यहाँ पर अभी टूरिज्म नहीं दिया जा रहा। हाँ नहीं दिया जा रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब पिकनिक स्पॉट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ और भी एक बंदा जुड़ा हुआ है, मैं इनसे पहले नाम जानने की कोशिश करूँ। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम इमरान फरहत है। तो आप कहाँ रहते हैं जी? हम यहाँ से बहुत दूर, यानी आपने देखा भी होगा बाड़ी जहाँ से जाना जाता बाड़ी है मरमत। यस। तो सबसे पहले मैं आप शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। हाँ हम फर्स्ट टाइम, बहुत चाहती हम कि हम रोड जाएं और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन होगा, मैं अक्सर दो बंदों से पहले ही पूछा कि आपको दिक्कत क्या है यहाँ रोड आने में। देखो दिक्कत तो फर्स्टली हमें रोड की बहुत कमी है यहाँ पे। मतलब मैं जब घर से निकला, मैं गाड़ी में आया, मुझे लगा कि वहां तक रोड है, लेकिन चलते चलते हमें बिहोता तक ही रोड मिली। आप तो जानते हो कि बिहोता कहाँ पड़ता जी, है जी, जी। उसके बाद वहां से हमें कितना टाइम लगा वो हमें पता है। अब मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कितना वक्त लगा। लगभग हमें 3 से 3.5 घंटे के बीच में हमें वक्त लगा। अगर वहीं हमें गाड़ी दस्तियाब होती तो हम घंटे के अंदर ही पहुंच जाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर रोड की अवेलेबिलिटी हो तो यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट भी आ सकते हैं, और खास करके यहाँ टूरिज्म का भी बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वो मुझे अवेलेबल नहीं मिला। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट अगर टूरिज्म यहाँ पर देगी, मैं आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, यहाँ पर अभी खेल भी रहे हैं, आपने भी खेला, मैं देखा मैंने, तो आपको क्या ये ग्राउंड ठीक लगा या नहीं लगा? ग्राउंड तो अब देखो जैसे कहते हैं ग्राउंड तो उस टाइप का नहीं है, लेकिन ये टाइम पास रखो मतलब एंजॉय थोड़ा सा। एक लोगों ने बनाया है ना, ये लोगों की मेहनत है थोड़ी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई रुझान टूरिज्म आता है तो फिर बन सकता है, फिर बन सकता है अगर टूरिज्म का यहाँ पे मुहैया कर सकती है गवर्नमेंट तो फिर ग्राउंड। चलिए अच्छा, दूसरा एक ही सवाल रहेगा मेरा, जो आप देख रहे हैं ये चिप्स खाई है, बिस्कुट है, अदर कुछ है इधर, इसके बारे में आप लोगों को जो लोग देख रहे हैं इनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या आप ऐसे ही फेंके, ड्यू की बोतल यहाँ है, कोई बोतल प्लास्टिक यहाँ है, क्या क्या रहेगा लोगों के लिए आपको मैसेज? देखिए जो लोग देख भी रहे हैं, कुछ लोग इनमें से भी होंगे जिनने इधर कागज डाले होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाई चांस मेरे से ही पड़ा होगा, अगर यहाँ पे एक डस्टबिन होता तो लोग यहाँ वहां नहीं डालते, सीधा डस्टबिन में डालते। डस्टबिन की भी यहाँ पे कमी है, अगर 2-4 इस ग्राउंड में डस्टबिन होते तो ये पोल्यूशन होगी नहीं। अगर ऐसा ही रहा, यहाँ पे डस्टबिन वगैरह अवेलेबल नहीं हुए, तो 2-4 साल में यहाँ पे बहुत पोल्यूशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबने जाना कि लोगों को क्या मुश्किलें हैं ध्रुव टॉप आने में, क्या मुश्किलें आ रही हैं, सब जानते हैं भाई, खूबसूरत है, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, दिखते हैं, आप सबने देखी लोगों की। मैं फिर से ये अपील करना चाहूंगा इन बड़े बड़े अफसरों से जो दावे करते हैं कि हमने ये किया ये किया, भाई आप ध्रुव टॉप के लिए खाली एक टूरिज्म दे दीजिए, एक रोड पहुंचाएं, फिर आपको हम मानेंगे। और उसके बाद यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो आसपास आप लोग, उसमें मैं भी आता हूं, देखिए आप मेरे पीछे ये देखिए बोतल है यहाँ पर, उधर देखिए उधर, हर एक जगह पर एक एक चीज़ है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे मत फेंकिए। अगर आपको डस्टबिन यहाँ पर नहीं अवेलेबल, तो एक यहाँ पर खड्डा बना हुआ है, आप वहाँ सब डाल दीजिए, पानी यहाँ पर लाया है, अगर वहाँ आप डाल दीजिएगा तो बड़ा बेस्ट रहेगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आप रोड का और टूरिज्म का यहाँ देखिए, देखिए कितना खूबसूरत एरिया है हमारा, मरमत कितना खूबसूरत है, आप सब जानते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।